हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो CoinSwitch एप्लीकेशन है उसमें कभी कभी हम पैसा जब ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है वो कभी कभी पेंडिंग हो जाता है, या फिर कभी कभी हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो भी पेंडिंग हो जाता है। लेकिन दोस्तों उसका भी सोल्यूशन है, 100% आपका पैसा जो है ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन पैसा पेंडिंग में हो जाता है। तो सक्सेसफुल पैसा आपके वॉलेट में भी आ जाएगा अगर आपने डिपॉजिट किया है तो, और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है अगर पेंडिंग दिखा रहा है तो उसका भी 100% पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों कैसे आएगा, मैं उसका ट्रिक लेकर आया हूँ, कैसे वो तरीका आपको फॉलो करना है, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलिए मोबाइल स्क्रीन पर बताते हैं आपको। अब दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने पहले से एप्लीकेशन को खोल रखा है। दोस्तों एप्लीकेशन खोलने के बाद आपको करना क्या है, जो भी पैसा मेरा विड्रॉल किया था मैंने वो पेंडिंग में दिखा रहा है 636 रुपया। आपको दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप नीचे देखेंगे मेरा जो अमाउंट है, जो ट्रांजेक्शन है पहले का जो मैंने वॉलेट में ऐड किया था, वो सक्सेसफुली 100 रुपया ऐड हो चुका था। अब दोस्तों जब मैंने ट्रांजेक्शन किया, अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया, यहाँ पर दोस्तों मेरा पेंडिंग दिखा दिया, पेंडिंग हो गया। तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट अपना पेंडिंग वाला ले लेना है, एक स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अपने प्रोफाइल में चले जाना है। दोस्तों प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपको सपोर्ट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्रिएट टिकट का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट टिकट पे आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे मैंने क्रिएट टिकट पे क्लिक किया तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा फॉर्म आपके सामने दिख जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्म दिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो जो मैं बताऊँगा, जो जो मैं भरने वाला हूँ वो सही सही आपको यहाँ पे फिल करना है, भरना है। तो दोस्तों मैं जो जो भरूँगा वो ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन जो कि पेंडिंग हुआ है तो मेरे को क्या लिखना है कि मेरा ट्रांजेक्शन तो सक्सेसफुल हुआ है लेकिन जो मेरा पैसा अकाउंट में है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो आपको लिखना है माई ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बट नॉट रिसीव माई मनी। दोस्तों आपको ऐसा लिखना है कि नॉट रिसीव माई मनी इन बैंक अकाउंट, माई बैंक अकाउंट। तो दोस्तों ये मैंने लिख लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों नीचे में देखेंगे तो आपको ईमेल आईडी मिलेगा, जो भी ईमेल आईडी आपने डाला था इसमें पहले अकाउंट बनाते समय उसमें वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों आप ईमेल आईडी डालने के बाद ईमेल आईडी डाल देंगे यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपका जो पैसा, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे क्या है कि मेरा जो INR विड्रॉल है वो नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हमें INR विड्रॉल इशू पे क्लिक कर देना है। तो मेरा पैसा जो भी आपका प्रॉब्लम रहेगा वो आपको सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा INR जो कि विड्रॉल इशू है मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ मेरा विड्रॉल पेंडिंग है तो विड्रॉल फेल्ड नहीं है, फेल रहेगा तो मैं फेल्ड पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा पेंडिंग है तो मैं पेंडिंग पे क्लिक कर दूँगा। अब दोस्तों यहाँ मैंने पेंडिंग पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी इशू आ रहा है वो आपको यहाँ पे इसमें इनबॉक्स में पूरा टाइप कर देना है, इनबॉक्स में दोस्तों मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अपना एक स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट अपना सबमिट करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको जो कि रोबोट आपको डाल देना है, टैक्सी चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, सही का ट्रिक आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 24 आवर्स के अंदर पैसा आपके वॉलेट में, आपके अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा।